मॉर्निंग वॉक पर जाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। देखिए सनराइज हो रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो किडनी पेशेंट है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मैं जो हूँ वो किडनी डोनर हूँ, मैंने ही उन्हें किडनी डोनेट की है। तो क्या होता है ना कि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तब मैं ये सोचती हूँ कि हेल्दी से हेल्दी नाश्ता बनाया जाए और टेस्टी भी हो साथ में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पालक का एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने ये छोटी चम्मच से 4-5 चम्मच बेसन लिया है और इसी छोटी चम्मच से मैं ये 4-5 चम्मच जो है वो सूजी ले रही हूँ। तो ये मैंने सेम क्वांटिटी में दोनों ले लिए हैं, बेसन और सूजी दोनों। और अब इसके अंदर मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। तो ये डाल देते हैं हम थोड़ी सी हरी मिर्च। अब इसमें डाल दें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी और डाल सकते हैं, थोड़ा सा खड़ा धनिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर है। पहले उसको ड्राई रोस्ट कर लिया जीरे को और उसके बाद में इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला और ये मैंने पालक को अच्छे से धोकर और बारीक कट कर लिया है और इसको इसके अंदर हम मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक घोल तैयार कर लेना है। एक साथ पानी मत डालना क्योंकि पतला हो जाएगा घोल, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, काला नमक ऐड कर सकते हैं, तो इससे और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए अब इसमें हमने सूजी मिलाई है, तो सूजी जो है वो पानी के साथ फूलती है, तो इसको हमको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में इसके चीले बना लेना है। तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके साथ में हमको क्या खाना है तो उसको भी हम बना लेते हैं। तो आप थोड़ा सा ये दही लीजिए, ये दही मैं घर पर ही जमाती हूँ, इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा आप दही ले लीजिए जितना आप खा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डालना है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। देखिए आप चाहें तो इसे मिक्स कर लें और इसी तरीके से खा सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ये बूंदी ऐड कर लें। बूंदी की रेसिपी और बूंदी के रायते की रेसिपी मैंने पहले अपने चैनल पे शेयर की है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से खाएं या फिर इसको पतला भी कर सकते हैं, गाढ़ा भी खा सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो, सब में टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये बैटर हमारा तैयार है, अच्छे से सेट हो गया है। इसके अब हम चीले बना लेते हैं। तो ये तवा ले लिया है, गैस ऑन कर दिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। और उसके पहले मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेती हूँ। तो ये हाथ से मैंने चेक कर लिया, तवा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर बैटर को फैलाते जाना है। कितना बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है ये सब कुछ बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। देखिए इसको अच्छे से फैलाते जाना है और उसके बाद में ये देखिए इसकी जो किनोर हैं ये इस तरीके से एक साइड अच्छे से पक नहीं जाता, तब तक इसको पलटना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो ये अच्छे एक साइड से अच्छे से सिक चुका है, तो इसको हम पलट देते हैं और अब इसको मीडियम फ्लेम पर ही
पकने देना है। तो इसको इसी तरीके से पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। देखिए बन गया है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये जो दही और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत टेस्ट लगता है। रिव्यू दो। वाह क्या बात है, अच्छा लगा। तो चलिए ये चिला हस्बैंड के लिए बनाया था और उनको तो बहुत ही टेस्टी लगा। क्या होता है ना, जब हम मेहनत करते हैं और किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मेहनत सफल हो जाती है। अब मैं ये बनाने जा रही हूँ मलाई से घी। मलाई को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, 5 से 6 दिन की मलाई है ये। तो मलाई से घी निकालना तो बहुत ही आसान है। इसको एक कढ़ाई में ले लेना है और इसको गर्म करते रहना है और कंटिन्यू पकाते रहना है इसको। तो इसमें से जो है वो घी निकलता जाता है। तो ये इसकी अगर किनार पर इस तरीके से लगती जाती है तो कोई बात नहीं, इसको निकालते जाएं। और वैसे भी घी तो मलाई से निकल ही जाता है सारा। तो ये देखिए घी निकल चुका है सारा मलाई से। देखिए घर के घी की तो बात ही कुछ और होती है, जो हम घर पर बनाते हैं उन चीज़ों की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि वो सब कुछ शुद्ध होती है, बिना मिलावट के होती है। तो ये हमारा घी जो है वो तैयार हो चुका है। और अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा घी आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो इसको पहले छान लेते हैं। तो इसमें से देखो ये घी निकल गया है, कितना सारा घी निकल गया है। और अभी जो ये वेस्टेज बचा है इसको कढ़ाई में डालकर और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसको एक बर्तन में निकाल कर और देखिए इस तरीके से, और इसको फ्रिज में रख देना है। तो ये जो घी जो ऊपर आता है वो ऊपर ऊपर जम जाता है और उसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो मेरे पास ये कुशन रखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं एक कवर बनाने वाली हूँ। तो ये कुछ एक कपड़ा रखा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर इसका एक कवर बना लिया जाए। तो मैं इससे अभी कुशन कवर बनाने वाली हूँ। तो कुशन की ये देखिए मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है, तो एक साइड से आप इसको नाप लें। तो ये 11 इंच हो रहा है, ये देखिए 11 इंच है। तो देखिए जिस कपड़े से हमको कुशन बनाना है तो उसको पहले इस तरीके से फैला लें, और जो हमारा मेजरमेंट हो रहा था 11 इंच तो उसमें 1+ करके 12 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई ले लेनी है। तो ये 12 इंच मैंने इसको यहाँ पर नाप लिया, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई। और अब इसकी हमको लंबाई किस तरीके से लेनी है, तो देखिए 11 इंच का आपको डबल कर लेना है, तो कितना हुआ 22 इंच, और 22 में +5 कर देना है। तो देखिए 22 इंच हो गया हमारा टोटल 11 का डबल, और इसमें +5 ऐड कर देना है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये प्लस हुआ 27। तो हमको इसकी लंबाई जो लेनी है वो 27 इंच लेनी है, और फिर इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो ये इसकी जो कुशन कवर की जो है वो कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए कटिंग तो हो गई। अब क्या करना है, हमको इसके दोनों किनारों को इस तरीके से सिल देना है, देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से इसके दूसरे साइड पर भी इसी तरीके से सिल लेना है दोनों साइड को। और ये आप सनी को देख सकते हैं, सनी पास में सोया हुआ है। सनी सनी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए मैंने इसके जो दोनों किनार हैं उनको सिल लिया है, और अब इसके बीच में हमको एक रखना है कुशन। और ये दोनों जहाँ जॉइंट आएंगे उनको एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है देखिए, और इनके दोनों साइड को सिल लेना है। और ये देखिए मैंने इसकी दोनों साइड को सिल लिया है। अब इसको सीधा कर लेना है, और ये हमारा जो है वो कुशन कवर तैयार हो गया है। और बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब इसके अंदर कुशन रख देते हैं
और ये जो हमारा जो कुशन कवर है बहुत जल्दी बन गया है और तैयार हो गया है, देखिए है ना, बहुत ही आसान। अब ये सनी आया है, इसको कोई भी नई चीज़ हो तो उसको सूंघनी होती है कि क्या है, तो ये देखना था उसे कि ये क्या बनाया है, क्या क्या है। देखिए मलाई का वेस्ट जो पानी डालकर फ्रिज में रखा था, तो उसको फ्रिज से निकालने के बाद ये इस तरीके से इसके ऊपर जो घी जम जाता है, तो इसको ऊपर ऊपर से घी को निकाल लेना है और इस घी को गर्म कर लेना है और ये जो घी इसमें से निकलेगा उसको छान लेना है। तो देखिए वेस्ट मलाई का जो वेस्ट था जिसको हम फेंक देते हैं उसमें भी कितना सारा घी होता है, तो अगली बार से जब भी आप मलाई से घी निकालें तो इस तरीके से घी ज़रूर निकालें वेस्ट से भी। सिट डाउन, गुड बॉय। क्या हुआ, क्या मसाज करूं? मसाज की? ओके हाँ हाँ कर रही हूँ मसाज।